वेब 7 लोकोमोटिव के साथ में। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वैसे अभी हो रही है नाइट और आज हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। मैंने बोला था ना कि भाई मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। भाई जो मेरा प्रोजेक्ट होगा ना वो सेकंड चैनल के लिए होगा और मैं उसके लिए इतना पागल हूँ ना कि उसकी एक ड्रेस लानी है। उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। भीलवाड़ा में नहीं मिल रही है, जयपुर में नहीं मिल रही है, तो मुझे उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा और मैं उसको स्टार्ट करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा करते हैं, पहले जल्दी से घर से निकलते हैं, हम चेतक में ट्रैवल करने वाले हैं, रेलवे स्टेशन पहुँचते फिर कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। टाइम हो रहा है 7:40, गाड़ी आने वाली है 8:15 का टाइम है और 8:20 पे यहां से छूट जाती है। पहले 8 बजे का टाइम था। ऐसा करते हैं जल्दी से टिकट लेते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं, टिकट ले लूं पहले। अभी आप प्लेटफॉर्म पे भीड़ देखो, वैसे भीड़ तो नहीं है आज, ठीक है ना। और वंदे भारत 2 पे आ रही है आज, वैसे 1 पे आती थी, आज 2 पे आ रही क्योंकि लेट हो गई गाड़ी। सो गाइस ये हमने ले लिए टिकट। तो गाइस आज हम ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी नंबर 20474 जो कि उदयपुर से चलती है दिल्ली सराय रोहिल्ला के लिए। इस गाड़ी में आपको 6 जनरल के डिब्बे मिलेंगे और 5-7 स्लीपर के डिब्बे मिलेंगे, 5 थर्ड एसी के डिब्बे मिलेंगे और 2.5 सेकंड एसी का डिब्बा मिलेगा और 1/2 फर्स्ट एसी का डिब्बा मिलेगा। ये गाड़ी आ रही है 8:15 पे, ऑन टाइम पे गाड़ी चल रही है। जैसे ही आती है वैसे ही हम इसमें जर्नल की जर्नी आपको दिखाएंगे क्योंकि मेरा जल्दी मतलब सडनली प्लान बन गया, मुझे जाना है तो जाना है, इसलिए अब जर्नल ही पॉसिबल है। अब जैसी जर्नी जाएगी ना वैसे मैं दिखाऊंगा और नाइट की वजह से कम ही दिखा पाऊंगा। 8:15 लेकिन गाड़ी बिफोर आ गई भाई, 8 ही बजे गाड़ी देखो आ गई, वेब 7 के साथ में आई है। वेब 7 है गाइस, वेब 7, मज़ा आने वाला है आज तो भाई। खाली है डिब्बे तो, आगे के देखो कितने खाली हैं। ये देखो भाई सीट तो आराम से मिल जाएगी, सीट आराम से मिल जाएगी गाइस। आ गई हमारी गाड़ी चेतक एक्सप्रेस। तो ऐसा करते हैं जल्दी से ऑनबोर्ड होते हैं और कवर करते हुए पूरी जर्नी दिखाते हैं आपको। जैसी जाएगी वैसे मैं दिखाऊंगा, ठंड के टाइम पे मज़ा आने वाला है। तो गाइस हम आपको अपनी गाड़ी दिखाते हैं, एंट्री लेते हैं। देखो भाई गाड़ी कितनी खाली है, मैं मतलब कितने टाइम बाद, 1 साल बाद ट्रैवल कर रहा हूँ इस गाड़ी में दिल्ली को और भाई गाड़ी जेन्युइन बहुत खाली है। वो बैग रखा है मेरा, मे बी अजमेर में हमारी गाड़ी भर जाए, मुझे कोई आइडिया नहीं। जैसा होगा ना वैसे मैं दिखाते हुए जाऊँगा और नाइट में गेट कम खोलूँगा क्योंकि ठंड की वजह से हवा ज़्यादा लगेगी इस वजह से। इस साइड में भी सीटें खाली हैं, मतलब बैग आगे ऊपर रखे हैं आराम से, मतलब लेट सकते हो बैठ सकते हो। भाई इस वंदे भारत के चक्कर में इस गाड़ी को लेट कर दिया भाई, 1:40 वंदे भारत लेट है, 1:40 वो आएगी, उसके बाद में ये निकलेगी और ये 20 मिनट और लेट हो जाएगी। 8:20 का टाइम था, 8:40 पे ये निकलेगी। तो गाइस ये खड़ी है वंदे भारत, भाई इसकी वजह से हम इतना ज़्यादा लेट हो गए ना, देख रहे हो इसकी वजह से लेट हो गए, 1:40 लेट हुई है ये गाड़ी। इसकी ऑक्यूपेंसी देखो कितनी खाली है, बीच के डिब्बे देखना इसमें कितने ही खाली मिलेंगे आपको। ओ माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है, 20 मिनट लेट हो गई हमारी गाड़ी। क्या मस्त डिपार्चर हो रहा है भाई, वंदे भारत को स्किप कर रहे हैं हम भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पे। अभी ये देखो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई इसकी वजह से, बट कोई ना, एक गुड न्यूज़ देता हूँ, बहुत जल्दी वंदे भारत आ रही है, बैक टू बैक आ रही है, दिल्ली अमृतसर आ रही है और उसके बाद में अपनी जयपुर साबरमती आ रही है और लखनऊ देहरादून आ रही है, 8-9 वंदे भारत एक साथ आने वाली हैं बहुत जल्दी और वंदे साधारण भी आने वाली है। तो किसी ना किसी वंदे भारत की इनॉग्रल जर्नी तो मैं आपको दिखा ही दूंगा। अभी ऐसा करते हैं सीट पे चलते हैं और मतलब जर्नी एंजॉय करते हैं। भाई सीन कुछ ऐसा है कि लाइक अभी हम ऊपर लेट गए क्योंकि नीचे बैठने की जगह है, ऊपर लेटने की यहाँ जगह मिली मेरे को तो मैं लेट गया। अभी हम यहाँ से पहुँच रहे हैं अजमेर, अजमेर से ये गाड़ी जाएगी फुलेरा, फिर रिंगस, रिंगस से ये रेवाड़ी वाली लाइन से होते हुए गुड़गांव होते हुए जाएगी दिल्ली सराय रोहिल्ला। भाई 500 किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं 9 घंटे में। देखा जाए गाड़ी बहुत अच्छी है, आईसीएफ कोच के साथ में चल रही है। अब अगला स्टॉप देखते हैं अजमेर आने वाला है, अगर सीन बनेगा नीचे उतरने का तो मैं उतरूंगा, अदर देन रिंगस में मिलेंगे, ठीक है, खाटू श्याम मंदिर रिंगस। Thank you.
किशनगढ़ रेलवे स्टेशन। सो गाइस अभी सीन देखो भाई, भाई क्या ठंड हो रही है, क्या ही ठंड हो रही है। कितना क्लीन रेलवे स्टेशन है, देख रहो गाड़ी हमारी बैक से आ रही है। ये है भाई किशनगढ़ रेलवे स्टेशन और टाइम हो रहा है 10:55। अभी मैंने दो तीन स्टेशन स्किप कर दिए, विजयनगर, नशीराबाद, अजमेर। भाई सेम रूट पे चल रही है, फुलेरा तक सेम रूट रहेगा। फुलेरा से इसका रूट चेंज हो जाएगा भाई, फुलेरा से ये निकल जाएगी रिंगस वाली लाइन, रेवारी वाली लाइन में। बट कोई ना, इसीलिए मैंने सोचा ये वाला ऑलरेडी कवर कर रखा है तो नींद पूरी कर लें। लेकिन जर्नल में नींद नहीं आ रही, बस लेटा हुआ हूँ मैं। जैसे ही फुलेरा पहुँचेंगे वैसे ही हम लाइन दिखाना स्टार्ट कर देंगे। गाड़ी बहुत खाली चल रही है क्योंकि ठंड के टाइम पर लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो ऑनबोर्ड होते हैं, 2 मिनट का होल्ड है, सीटी आ चुकी है, हॉर्न बज चुका है। भाई अभी सीन देखो ऐसा है कुछ, अभी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है भाई, देख लो किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो रहा है इस टाइम पर। और सेम रिंगस रेलवे स्टेशन भी ऐसे ही है, ऐसे ही अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म चेंज करने का बना रखा है। भाई ठंड के टाइम पे कोई नहीं है यहाँ पे, और हवा देख रहो क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है। स्टेशन बहुत क्लीन रहता है ये रिंगस, सॉरी किशनगढ़, और शहर से तो काफ़ी दूर में पड़ता है ये। भाई बहुत ही खूबसूरत है, क्लीन रेलवे स्टेशन है, क्लीन। अभी कोई नहीं है यहाँ पे, देख रहे हो 11 बज रहे हैं, हमारी गाड़ी यहाँ से छूट चुकी है, फुलेरा पहुँचती है जल्दी और वहाँ से फिर लाइन चेंज होती है इस गाड़ी की। किशनगढ़ सो गाइस हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाइस प्लेटफॉर्म देखो आप, क्या इतना भारी प्लेटफॉर्म बना रखा है। उस साइड में एक गाड़ी खड़ी है जिसमें गाड़ी ही लेके जा रहे हैं, देख रहे हो गाड़ी रुके फिर उतरे हैं। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 11:37 और हम पहुंच चुके हैं फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई रेलवे स्टेशन बहुत क्लीन है, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। फिलहाल अभी इधर का सीन देखो भाई, ठंड के टाइम में ट्रैवल करने का मज़ा यही है, खाली खाली स्टेशन है पूरा, इतनी लंबी गाड़ी है। हमारी गाड़ी चल रही है ICF कोच के साथ में, इसको LHB रेक अलॉट हो जाने चाहिए बट अभी तक नहीं हुए है। यहाँ से हमारी गाड़ी की लाइन चेंज होने वाली है, यहाँ से हमारी गाड़ी रिंगस वाली लाइन में जाने वाली है और अब मैं लाइन देखने वाला हूँ। लेकिन यार दिक्कत ये है, ठंड के टाइम पे गेट नहीं खोल सकते क्योंकि भाई ठंडी ठंडी हवा आई। ये देखो भाई ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो आप? ये रिंगस खाटू श्याम जी के। अरे वाह, बड़े नसीब वाले हो, आपके दर्शन होने वाले हैं खाटू श्याम जी के, है ना। हम तो एक साल हो गए जा ही नहीं पाए, मैं बैठी हूँ सारे रिंगस। चलो बढ़िया यार, खाटू श्याम जी के जा रहे हैं सारे भाई। हेलो गाइस, हेलो गाइस। सो गाइस टाइम हो रहा है 11:43 और गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से अभी मेरे को देखनी ये लाइन। भाई स्टेशन देखो इस टाइम कितना खाली हो चुका है, स्टेशन अच्छा है, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, काफ़ी सारे स्टॉल उस साइड भी लगे थे। ये वन नेशन वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। सामने आई डोंट नो कौन सी गाड़ी खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ICF कोच वो भी है। और अभी कुछ ऐसा सीन हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। ये देखो एक शॉप है जहाँ पे आपको मिल जाएगा खाने पीने का सामान। फुलेरा जंक्शन WDG 4G का लोकोमोटिव खड़ा है और उस साइड में खड़ा है WDG 4D का। 4G और 4D दोनों साथ साथ में खड़े हैं। इधर से चेंज होगी हमारी लाइन,
गाइस ये देखना था, फाइनली हमारी गाड़ी की लाइन चेंज हो चुकी है। गाइस सामने आ रही है चेतक एक्सप्रेस जो कि चेतक को क्रॉसिंग कर रही है। भाई क्या साउंड है इसका। वेब 7 लोकोमोटिव के साथ में निकल गई गाइस। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रेनवाल रेलवे स्टेशन। भाई स्टेशन देखो कितना शांत है, बहुत ही मतलब छोटा स्टेशन है, शांत स्टेशन है। उस साइड में कोई लाइन जा रही है, आई डोंट नो कौन सी है, ये लिखा है रेनवाल, वो जा रही है लाइन देखो उधर वाली। सो गाइस अपनी गाड़ी निकल चुकी है रिंगस से, रिंगस आई थी। भाई गाड़ी में क्राउड बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं आया, मुश्किल से 2-4 लोग आए। गाड़ी इधर देखो ऐसे कुछ चल रही है गाड़ी हमारी, खाली खाली। इधर रंगस जंक्शन हम छोड़ रहे हैं। मैं सोच रहा था भीड़ ज़्यादा आएगी इसलिए मैं ऊपर आ गया, बट भीड़ आई नहीं। मैं सोच रहा था कि नीचे जाके कवर नहीं कर पाऊँगा। देख रहे हो खाली खाली स्टेशन है पूरा, ज़्यादा लोग ही नहीं है। रिंगस जंक्शन भाई, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी भाई साहब मैंने इतने ज्यादा स्टेशन स्किप कर दिया था, पूछ ही नहीं सकते आप। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रेवाड़ी और टाइम हो रहा है 3:30। अभी हमारी गाड़ी देखो भाई साहब कुछ ऐसा सीन है, इधर हमारी गाड़ी लगी है और इस साइड में कोई मालगाड़ी जा रही है। रिंगस में मैंने सोचा था कि लाइक मैं उतरूं, बट वहाँ पे सिचुएशन मेरे को पता नहीं थी। मैंने सोचा क्राउड आएगा, देन जाके मैं लेट गया। अदर देन उसके बाद में मैं सोता ही रहा, अब जाके उठाऊं। अभी बज रहे 3:30, अभी हमारी मे भी 2-2.5 घंटे की जर्नी और बची है, और इस गाड़ी का भी मतलब 2-2.5 घंटे का ही है। तो कोई ना, अब जितने भी स्टेशन होंगे ना तो वो दिखाते हुए आपको दिल्ली सराय रहीउल्ला लेके चलते हैं। पता नहीं कितनी देर में ये चलने वाली, तो गाड़ी में चलते हैं जल्दी। सो अभी डिपार्चर हो रहा है रेवाड़ी से, रेवाड़ी जंक्शन। ये स्टेशन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, अच्छा है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। भाई मॉर्निंग हो रही है, ठंड देख लो मॉर्निंग की। रेवाड़ी फर्स्ट टाइम कैप्चर कर रहा हूँ, देख लो गाइस मज़ा आने वाला है स्टेशन पे। छोटी सी आशा, छोटी सी आशा। भाई सामने मालगाड़ियाँ खड़ी हैं, भाई समझ नहीं आ रहा क्या सीन है यहाँ पे, और प्लेटफॉर्म कितने ही, इतने ही, यही नहीं पता चल रहा है। वो देखो उस साइड में गाड़ी खड़ी है, इधर बीच में मालगाड़ी खड़ी है। कितना बड़ा प्लेट स्टेशन है यार, अभी तक निकले ही नहीं। फाइनली गाड़ी निकल चुकी है 3:30। NWR में आता है क्या ये भाई, NWR में आता ही है ये। हाँ सही है यार, इधर आग जल्दी बढ़िया सी। हो अभी इधर का सीन देखो, इधर से लाइनें अलग अलग जा चुकी है और उधर खड़ा है वैग नाइन खड़ा हुआ है उस साइड में। भाई क्या ही सीन है। छोटी
गुड़गांव रेलवे स्टेशन। सो गाइस अभी हम छोड़ रहे हैं गुड़गांव, डिपार्चर हो रहा है हमारी गाड़ी का गुड़गांव रेलवे स्टेशन से। स्टेशन देखो भाई, धुंध की वजह से ऐसा सीन हो रहा है, बड़ा खाली रेलवे स्टेशन है यार। गुड़गांव। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली कैंट, और भाई यहाँ का क्राउड देखो, बहुत सारे लोग यहीं पर डिबोर्ड हो चुके हैं गाड़ी से। इस साइड में देखो ये कौन सी गाड़ी है, WDG4D का लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, इधर बैग 9 खड़ा हुआ है, और इस साइड में हमारी गाड़ी है। बैक साइड में बैठा हूँ मैं दिल्ली कैंट, मैं यहाँ ना उतर के सीधा दिल्ली सराय रही रोहिल्ला उतरूँगा। सो गाइस अभी बज रहे हैं 5 और हम पहुँच चुके हैं भाई दिल्ली सराय रोहिल्ला, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। सारी गाड़ी धीरे धीरे खाली हो रही है, हम सोच रहे हैं थोड़ी देर में उतरें, ठीक है ऐसा करते हैं थोड़ी देर में जब नीचे उतरते हैं उसके बाद में एंड करते हैं। गाड़ी की लाइट बंद कर दी और सबको नीचे उतार दिया भाई, सभी को नीचे उतार दिया, बोल रहे जल्दी से उतरो। अभी यहीं पर ये खड़ी रहेगी, इसी को पैक कर देंगे, अभी सारे शटर डाल के गेट वेट बंद कर देंगे, ठीक है उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे, ये गाड़ी यहीं पर खड़ी रहेगी। अभी आगे का सीन देखो भाई, ऐसा कुछ सीन है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है हमारी गाड़ी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 इस साइड में है और लास्ट प्लेटफॉर्म उधर है, और मेट्रो इस साइड में मिलती है, मतलब यहाँ से नीचे उतरोगे ना पार करके थोड़ा सा चलना पड़ेगा मिल जाएगी। सो गाइस अभी ऐसा करते हैं कि लाइक इस ब्लॉग को ऑफ करते हैं, आई होप आप लोगों को जर्नी अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई। ठंड के टाइम पे ज़्यादा दिखा नहीं सकते थे क्योंकि भाई ठंड आती है, गेट वेट खोलोगे तो हवा आएगी ठंडी, लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, मैं भी बीमार हो जाऊँगा, इसलिए ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। अक्सर हमारी जो जर्नी होती है वो नाइट वाली ही होती है, मॉर्निंग वाली होगी तो सारा रूट वूट कैप्चर करके स्टेशन सारे कवर कर सकते हैं, नाइट में ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती, बट कोई ना फिलहाल हम इसको ऑफ करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ भाई, मैं बहुत बड़ी चीज़ के लिए आया हूँ, करते हैं उसके बाद ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है।